गुड मॉर्निंग गाइस, आज फिलहाल हमने सोचा नहीं था कि इतनी बैड न्यूज़ के साथ में हमारी मॉर्निंग होगी। मतलब हम इतनी ज़्यादा बैड न्यूज़ के साथ में उठ पाएंगे। काफ़ी टाइम से हम व्लॉग शूट भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हैं और अदर्स कामों में। बट हाँ, स्टिल आने वाले टाइम में कोशिश ये रहेगी हमारी कि डेली व्लॉग किए जाएँ। मगर फिलहाल एक बड़ी सैड न्यूज़ हमारे लिए, जो वाकई में काफ़ी ज़्यादा हमें वो देख करके बहुत अफसोस हुआ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने कैट्स पाली हुई हैं, तो हमारे पास 3 से 4 कैट्स हैं। हमें शौक है इसलिए हमने पाली हुई हैं कैट्स। तो बिकॉज हम सबसे पहले एक वाइट वाली कैट लेके आए थे, उसके बाद से फिर हमने 2 कैट्स ली थी। एक ली थी ब्राउन और एक ली थी ब्लैक वाइट शर्ट्स में। तो ये 3 कैट्स हमने पाली थी और पालते हुए हमें करीबन 1 साल से ऊपर हो चुका। वाइट वाली सब कुछ बेटर है और साथ में ब्राउन वाली, मगर अभी फ़िलहाल बात की जाए ब्लैक वाली जिसके ऊपर वाइट शर्ट्स थे, वो अब नहीं रही है। तो मैंने सोचा कि आप सभी को ये छोटा सा अपडेट दिया जाए और आपको बताया जाए, क्योंकि कभी आने वाले टाइम में हम व्लॉग्स वगैरह बनाएं और वहां पर आप देखें कि कैट्स नहीं हैं। सडनली सीन ये होता है, उसको कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। रात में मैंने खाना भी दिया था, 10-11 बजे के करीब मैंने खाना दिया था और बिल्कुल ठीक थी, प्रॉपरली, ऐसा कोई इशू नहीं था। फिर अचानक से सुबह के 4 बजे के करीब मेरी आँख खुलती है। मतलब मैं आँख क्या खुलती है, मैं सोता नहीं हूँ उस टाइम में। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे में एक आदत है, मैं कैट्स के रूम में नज़र हमेशा मारता रहता हूँ क्योंकि देखा भाली लगातार रहनी चाहिए ना। तो इसलिए मैं वो देखा भाली करने के लिए 4 बजे के करीब गया कैट्स के रूम में। और जब वहाँ पर जाके देखता हूँ कि जो हमारी ब्लैक वाली कैट्स है वो पूरी ऐसे ओंधी पड़ी हुई है। अब भाई 4 बजे का समय था, सांसें चल रही थी उसकी, मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी आखिरी सांसें वो हो सकती हैं। अब 4 बजे के टाइम में हम क्या करते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी हमारे लिए। फिर हमने क्या किया, मैंने क्या, हो सकता है कि इसको यार ठंड लग गई हो। मैंने रोमीटर निकाला, रोमीटर निकालने के बाद ऑन किया, थोड़ी सी गर्माई देने की कोशिश करी। मैंने कहा कभी ठंड लग गई हो भाई, क्योंकि 4 बजे ना कोई हॉस्पिटल और ना कोई ऐसी मेडिकल या कोई भी जिससे हम पूछ सकें, 4 बजे के टाइम में कौन जागेगा यार। तो हमने ये सब चीज़ें करने की कोशिश करी, काफ़ी उसको रूमीटर दिया मैंने कि हो सकता है कि ठंड लग गई हो। मैंने फिर उसको ब्लैंकेट वगैरह उड़ा कर ऐसे छोड़ दिया। मैंने कहा यार अब सुबह देखेंगे, बहरहाल क्योंकि अब इसकी हालत मुझे लग नहीं रही है कि ये बच पाएगी। मैं काफ़ी ज़्यादा अफसोस में था और मैं ये दुआ भी कर रहा था अल्लाह से कि किसी भी तरीके से वो बच जाए, उसकी जान बच जाए, वो बिल्कुल प्रॉपरली ठीक हो जाए, जैसे पहले थी वैसी हो जाए। अभी अचानक से सीन हुआ यार, ये समझ में नहीं आ रहा क्यों हुआ। फिर वही सुबह उठ के जब मैं देखता हूँ तो उसकी आंखें बिल्कुल ऐसे खुली रह जाती हैं और जो उसकी सांस चल रही थी ना पहले, वो सांस चलनी अब बंद हो जाती है। तो ये एक बड़ा अफसोस हमारे लिए। आप जिसको 1 साल अपने पास रखो, देखो जानवर एक ऐसी चीज़ है जिसको अपने पास आप कुछ देर के लिए भी पालोगे ना, या 2 या 4 दिन के लिए भी रख लो, तो उससे ऑटोमेटिकली लगाव हो जाता है ना। तो ये एक हमारी इंटरनली मोहब्बत होती है जो हम, मतलब यू नो, कनेक्शन हम बना बैठते हैं। एक चीज़ है हमने पाली हुई है, तो वो अगर ना हो ना तो फिर बड़ा अफसोस होता है उस टाइम में, और ऐसे मर जाए। हमने तो फिर भी 1 साल पाली यार, 1 साल पालने में मैंने उसको ऐसे पाला जैसे मेरे खुद के ही बच्चे हों, अपनी औलाद की तरह ही पाला। मगर फिलहाल कहते हैं कि होने वाली बात होती है, अब हो जाती है। और एक इसमें ये भी है कि जानवर अगर हमारे घर में होता है, ये हमारे बड़ों से सुनी हुई बात है कि अगर हमारे घर में जैसे जानवर है, कोई अला बला कोई चीज़ आने वाली है तो जानवर अपने पर ले जाता है। कोई मुसीबत आने वाली है तो वो अपने पर ले जाता है, यू नो, कोई बड़ी मुसीबत, जैसे कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ, या फिर आपका अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हुआ, या कोई और इंसिडेंट, कोई सा भी इंसिडेंट हुआ, तो जानवर अगर आपके घर में होता है तो सुनते हैं हम कि वो अपने ऊपर ले जाता है और आपके ऊपर कोई आँच नहीं आने देता। मैं भी देखो कुछ भी हो सकता है, मगर फिलहाल अब क्या ही कर सकते हैं भाई, ऊपर वाले का ये डिसीजन हम सभी को मानना पड़ेगा और अभी तक हम मानते हुए आए हैं। तो अभी फिलहाल हमने फैसला ये लिया है, अभी हमारी कैट्स, मैं कैमरे में तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कैमरे में यार मैं आगे टाइम में जितनी बार देखूंगा मुझे बहुत अफसोस होगा। तो अब मैं जल्द से जल्द लेके जाता हूँ उसको कब्रिस्तान, मेरे पास में ही है, वहाँ पर उसको दफना कर आते हैं। इस बच्चे को देखो कोई भी फिक्र नहीं है, मैं इधर व्लॉग बना रहा हूँ। बेटे गम है, तुम्हारी कैट चली गई बाबू, कैट गई तुम्हारी,
और तुम ऐसे हंसने में लगी हो। तुम्हें बेटा जब बाद में जब तुम थोड़ी सी बड़ी हो जाओगी ना, तुम व्लॉग देखोगी तुम्हें तब पता चलेगा कैट गई। चलें तो गाइस फिलहाल मैं अभी कैट्स के रूम में हूँ। एक छोटी सी झलक आप सभी को दिखाई देता हूँ क्योंकि मैंने उसके ऊपर पूरी पूरी तरह से ब्लैंकेट कवर किया हुआ है। पीछे हो जाओ यार, पीछे हो जाओ बिल्कुल। देखो गाइस ये वाली कैट है, बिल्कुल भी सांस नहीं है और आंखें भी ऐसे ही खुली हैं। मैं ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर रहा अभी, देख रहे हो बेचारी कितने मासूमियत चेहरा लेकर। और ऐसा लग रहा है, ख्याल ऐसा आ रहा है कि ये उठ जाएगी, अभी भी उठ जाएगी, मैं यही सोच रहा हूँ। मगर वो ये ना कि ये आस हमेशा रहती है हमारी। सो गाइस ऐसे करके मैंने इसको ब्लैंकेट में लिपेट लिया है, ब्लैंकेट समेत ही ऐसे दफना दूंगा मैं, जो कि ऐसे खुला ले जा रहा ना यू नो ठीक नहीं है। चलें लेके, चलो चलो। सो गाइस फिलहाल कब्रिस्तान में तो मैंने दफना दिया है और वहाँ दफनाया, देखो उस साइड यहीं पर ही है। अब चलते हैं हाथ वगैरह धो के वापसी घर की तरफ। एंड गाइस फाइनली उसको दफन करने के बाद हम वापस घर पे आ चुके हैं। काफ़ी कमी महसूस हो रही है, अफसोस अफसोस सा हो रहा है। जब भी कैट्स के रूम में जाता हूँ तो वो देखती है ना यू नो, ऐसा लग रहा है कि वो है आसपास में। मगर एक दो दिन का तो रहता ही है, आपको पता ही है वह, मगर क्या कर सकते हैं, उसकी ज़िंदगी शायद यहीं तक लिखी थी। वो हमारी सारी कैट्स में सबसे शरीफ कैट्स थी, मतलब सबसे शरीफ थी, बिल्कुल जैसा हम कहते थे वैसा करती थी, यू नो ज़्यादा शैतानी नहीं करना। उस कैट्स के मुकाबले और सारी कैट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा शरारत करती हैं, बहुत शोर शराबा करती हैं, यू नो अगर उनको बाहर में छोड़ दूँ तो काफ़ी घर हमारा पूरा फैला देती हैं। मगर वो एक जगह शांत होकर बैठ जाती है, मस्ती करती है, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं ज़रा सा भी ऊँची आवाज़ में बोल जाऊँ तो वो बिल्कुल शांत होकर बैठ जाती थी। सबसे प्यारे स्वभाव की थी, जो फाइनली अब इस दुनिया में नहीं रही। तो बस ये छोटा सा अपडेट आप सभी को देना था। बाकी आने वाले टाइम में हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डेली व्लॉग्स अपने घरेलू जितने भी सारे व्लॉग्स हैं, होम व्लॉग्स, वो आप सभी से शेयर किए जाएं। ज़्यादा काम होने की वजह से हम डेली व्लॉग्स नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज कोई एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, ना हम कहीं बाहर जा पा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे नए साल में अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी बनाने की, अच्छा अच्छा कॉन्टेंट बनाने की। एंड कैट्स तो नहीं रही, अब क्या ही कर सकते हैं इसमें। इस वाले वीडियो को अब मैं करता हूँ यहीं पर ही समाप्त। बाय।